द्वारका नई दिल्ली की एक लड़की स्वालिहा परवीन सैफी ने भारत के लिए जर्मनी बर्लिन में जूडो में रजत पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बता दें कि विगत 23 जून 2023 को जर्मनी के बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय जूडो प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें द्वारका नई दिल्ली की स्वालिहा परवीन सैफी, जो कि 12वीं कक्षा की विद्यार्थी हैं, उन्होंने यह खेल दिखाकर और अपना अच्छा प्रदर्शन करके नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भारत वापसी पर उनका भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सुबह 8 बजे वो और उनके कोच तथा टीम के अन्य सदस्य दिल्ली पहुँचे। वहाँ पर खेल मंत्रालय द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। फूल मालाओं से तथा ढोल नगाड़ों से उनका इस्तकबाल किया गया। वहीं अगले दिन दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में भारत के राष्ट्रपति, सांसद तथा अन्य खेलों से जुड़े अधिकारियों ने हौसला अफजाई की तथा सम्मानित किया। उसके बाद मुख्य मार्ग से घर तक स्वालिहा परवीन सैफी को जीप में ढोल नगाड़ों के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद तथा स्वालिहा परवीन सैफी जिंदाबाद के नारों के साथ पूरे रास्ते फूलों की बरसात की गई। द्वारका विधानसभा के विधायक श्री विनय मिश्रा तथा पालम की विधायक सुश्री भावना गौड़ ने स्वालिहा परवीन सैफी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं महावीर इंक्लेव के पूर्व निगम पार्षद राजकुमार ने स्वालिहा परवीन सैफी का शॉल ओढ़ाकर और फूलों की मालाओं से हार्दिक अभिनंदन किया। रास्ते में गली गली में स्वालिहा परवीन तथा उसके पिता हकीमुद्दीन सैफी को रोक रोक कर उनका हार्दिक अभिनंदन किया तथा फूलों की बरसात की गई। जैसे जैसे उनका घर नज़दीक आता गया, वैसे वैसे स्वागत करने वालों का तांता लगता चला गया। दिल्ली के द्वारका में रहने वाली स्वालिहा परवीन 12वीं कक्षा की विद्यार्थी हैं। वह 3 बहनें हैं, उनकी छोटी बहनें भी उनके उत्साह बढ़ाने के लिए उनके साथ साथ चल रही थीं। इस अवसर पर भारतीय सैफी डे कमेटी तथा सैफी समाज के चिंतक, लेखक, पत्रकार इरफान राही सैदपुरी सैफी ने स्वालिहा परवीन सैफी को मेडल पहनाकर तथा फूल देकर उनका इस्तकबाल किया। ढोल नगाड़े तथा फूलों की बरसात का यह नज़ारा देखने योग्य था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान,
सभी सालिहा परवीन का खुशी खुशी स्वागत कर रहे हैं। सालिहा परवीन सैफी ने कहा कि मुझे इतना प्यार तथा सम्मान रजत पदक जीतकर जो मिला है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वहीं उनके पिता हकीमुद्दीन सैफी तथा उनकी माँ परवीन सैफी ने भी ये कहते हुए अपनी बात रखी कि हमें अपनी बेटी पर गर्व है कि वे भारत के लिए एक रजत पदक जीत करके आई हैं। मुझे आज अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा है। उन्होंने सैफी समाज का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.